एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सरफाइज। दोस्तों, आज इस लेक्चर नंबर 5 के अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री के हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में, जो कि 1765 से 1783 तक चला। बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट लेक्चर में हमने 7 ईयर ग्लोबल वॉर के बारे में समझा था और रीज़न को बताया था कि कैसे ही अमेरिकन रेवोल्यूशन को इसने जन्म दिया है। तो आइए, ये विजन के नोट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब देखिए, अमेरिकन रेवोल्यूशन इंट्रोडक्शन क्या है, थोड़ा समझते हैं। दोस्तों, बात यह है कि नॉर्थ अमेरिका में ब्रिटिश ने, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि 13 कॉलोनीज को एस्टैब्लिश करा था वेस्ट कोस्ट ऑफ अटलांटिक ओशन में आफ्टर द 7 ईयर वॉर, जो इन्फ्लुएंस था फ्रांस का बाकी सारे अमेरिका के अंदर वो ख़त्म हो चुका था। तो आप कहेंगे, मैम रीजंस क्या था अमेरिकन रिसेंटमेंट्स का अगेंस्ट द ब्रिटिश? देखिए, जो ब्रिटिश मर्केंटलिज्म था ना, मतलब मर्चेंटाइल कैपिटलिज्म, जो ऐसे ही सामान बचा वहाँ से रॉ मटेरियल लेते थे कॉलोनीज से, फिर वहाँ पर सामान बेचते थे, तो ये जो इनका जो चीज़ थी ना, इसकी वजह से एक ऐसा माहौल बन गया था कि लोग जो वाइट अमेरिकन्स थे वो उनका मूड ख़राब होने लगा था। और 7 ईयर वॉर जो हुई उनसे ऐसी कंडीशंस पैदा हो गई कि ये एक इमीडिएट ट्रिगर बन गया अमेरिकन रेवोल्यूशन के लिए। तो आप कहेंगे कि मैम बात तो आपकी सही है, लेकिन ये मर्केंटाइल कैपिटलिज्म क्या होता है, आप अगर डिटेल में बता दोगे तो हम लोग ज़्यादा से समझ पाएंगे। देखिए, मर्केंटाइल कैपिटलिज्म ये ब्रिटिश पॉलिसी रही थी 18th सेंचुरी में। ये इस आइडिया पे बेस्ड थी कि सरकार को रेगुलेट करना पड़ेगा इकोनॉमी को एट होम एंड कॉलोनीज को एट अब्रॉड, ताकि यहाँ पे ये नेशनल पावर को और बढ़ा सके और पॉजिटिव बैलेंस पा सके ट्रेड का। एक पॉजिटिव बैलेंस ट्रेड का ये अचीव होता है जब एक देश जो है ये एक नेट एक्सपोर्टर होता है गुड्स का, वैल्यू के टर्म्स में। जैसे कि आज हम भी ये पढ़ते हैं कि हम सामान बेचें ज़्यादा खरीदें कम। इस पॉलिसी की वजह से, मतलब ऐसे समझो, दिस पॉलिसी मैनिफेस्टेड इन फॉर्म ऑफ प्लेसिंग ट्रेड बैरियर्स ऑन द कॉलोनीज एंड इस्टेब्लिश करना एक मोनोपोली को ऑफ द ब्रिटिश कंपनीज ऑन ट्रेड, जिसे किया जाता था बाय द कॉलोनीज। ऐसे रेस्ट्रिक्शंस जो पार्ट थे ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी ऑफ मर्केंटाइल कैपिटलिज्म के, इसकी वजह से अमेरिकन्स प्रिवेंट थे फ्रॉम डेवलपिंग देयर इंडिजीनियस इंडस्ट्री। जैसे आपने इंडिया के केस में भी देखा होगा कि हमारे यहाँ की डोमेस्टिक इंडस्ट्री बहुत लैक कर गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ दीज ब्रिटिशर्स। जो कॉलोनीज थी उनको रोका गया था ब्रिटिश लॉ के माध्यम से कि आप नॉन ब्रिटिश शिप्स को नहीं यूज़ कर सकते हैं ट्रेड के लिए। जो एक्सपोर्ट था कुछ रॉ मटेरियल गुड्स का अमेरिकन कॉलोनीज से, ये सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन को ही किया जा सकता था। फर्दर, एक बहुत ही भारी मात्रा में ड्यूटी को, हैवी ड्यूटी लगाई जाती थी उन इंपोर्ट्स पे जो कि नॉन ब्रिटिश गुड्स के होते थे अमेरिका के अंदर। ऐसे ट्रेड के बैरियर्स का होना, यही एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर था मर्केंटाइल कैपिटलिज्म का, आप समझ रहे होंगे। फर्दर, जो अमेरिकन्स थे इनको ये भी फॉरबिडन थे लॉ के माध्यम से कि ये आयरन वर्क्स की और टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज को नहीं लगा सकते। जो एक्सपोर्ट था फिनिश्ड आयरन और टेक्सटाइल गुड्स का, वो बहुत प्रॉफिटेबल था ब्रिटिश के बिजनेसमैन को, एंड इस वजह से अमेरिकन्स को फोर्स करा गया टू फंड द ब्रिटिश ग्रोथ इन दीज सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो आप ये समझे। अब हम समझते हैं प्रोक्लेमेशन ऑफ 1763 के बारे में। देखिए, अमेरिकन रेवोल्यूशन का एम ये था कि ब्रिटिश का कॉलोनाइजेशन खत्म करना है नॉर्थ अमेरिका के अंदर। तो एज अ ट्रूस विद द अमेरिकन इंडियंस, जिन्होंने शुरुआत करी थी आर्म रिवेलियन को एट द एंड ऑफ 7 ईयर वॉर, ब्रिटिश के पार्लियामेंट ने एक इशू करा प्रोक्लेमेशन ऑफ 1763 को, जिससे एक्सपेंशन जो था बाय द ब्रिटिश सेटलर्स टू द वेस्ट ऑफ द एप्लिशेनियन माउंटेन्स, इसे बैन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये एरिया अब रिजर्व कर दिया गया था नेटिव अमेरिकन इंडियंस के लिए। एक दूसरा रीजन भी ऐसे प्रोक्लेमेशन को इशू करने का ये था, लॉबिंग करना बाय एरिस्टोक्रैट इन द ब्रिटेन
हु डिड नॉट वॉन्ट, जो नहीं चाहते थे कि वेस्टवर्ड एक्सपेंशन हो, इन लोगों ने लैंड को लाया इन द जो भी दे हैड बॉट लैंड इन द अमेरिकन कॉलोनीज एंड प्रॉफिट्स इनको मिलता था उन रेंट से जो ये लेते थे फ्रॉम द वाइट सेटलर्स. अमेरिकन सेटलर्स जिन्होंने लड़ी थी ये 7 ईयर वॉर को अलॉन्ग विद द ब्रिटिश विद द पर्पस ऑफ वेस्टवर्ड एक्सपेंशन, इनको ऐसा लगा कि इनके साथ धोखा हुआ है एंड दस इन्होंने इस प्रोक्लेमेशन को इग्नोर कर दिया. इनका लोकल मिलिशिया फोर्सेस कंटिन्यू रही टू ब्रिंग द एरिया इन द वेस्ट अंडर देयर कंट्रोल. फिर बात आती है रोल ऑफ एनलाइटमेंट थिंकर्स. एनलाइटमेंट थिंकर्स का क्या रोल रहा? देखिए एनलाइटमेंट या फिर एज ऑफ रीजन, ये ऐसा मूवमेंट था जिसकी शुरुआत 1600 से हो गई थी वहां पे विद आइडियाज जिसे प्रपोज किया जाता था थिंकर्स के द्वारा, जैसे कि हॉब हो गए, लॉक हो गए, ऑन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड राइट्स ऑफ द पीपल. ये अपनी हाइट पे पहुंच चुका था मिड 1700s में. अगर मैं हॉब की बात करूं तो ये एक प्रो एब्सोल्यूट मोनार्की थे. इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, जिसका मतलब कि क्योंकि सारे ही लोग है ना, बिकॉज ऑल पीपल बिहेव इन सेल्फ इंटरेस्ट, पीपल शुड गिव अप सम ऑफ देयर राइट्स टू द गवर्नमेंट, जो बदले में इन्हें लॉ और ऑर्डर प्रोवाइड करती है सोसाइटी को. दूसरी ही तरफ अगर हम लॉक की बात करें तो इनका पॉजिटिव व्यू था इंसान को लेके, और ये मानना था कि एक इंसान अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख सकता है. इन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट को भी जो है फेवर किया, और लॉक के हिसाब से सारे लोग फ्री पैदा हुए हैं, इक्वल पैदा हुए हैं, एंड इनके पास 3 नेचुरल राइट्स तो हैं ही हैं. वो नेचुरल राइट जैसे कि लाइफ का, लिबर्टी का और प्रॉपर्टी का. इसलिए सरकार का सिर्फ पर्पस अगर हम ये कहें तो ये है कि सब इनको ध्यान रखे. तो ऐसा लॉक ने कहा कि सरकार का पर्पस ये है कि इन सारे राइट्स को वो प्रोटेक्ट करके रखे. अगर सरकार ऐसा नहीं कर पाती तो सिटीजंस के पास ऐसा राइट होता है कि वो ऐसी सरकार को उठा के बाहर फेंक दें. तो दिस राइट टू इंसरेक्शंस वाज आल्सो मेड अ पार्ट ऑफ द जैकोबिन कॉन्स्टिट्यूशन इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. अब ये जो मॉडर्न थिंकर्स और फिलोसोफर थे, इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा था अमेरिकन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन में. करीब 1750s में फ्रेंड्स बहुत सारे जो थिंकर्स थे वो वर चैलेंजिंग द स्टेटस क्यो एंड ये सब डिमांड कर रहे थे फ्रीडम, आज़ादी और लिबर्टी लोगों के लिए. इन्होंने लोगों के सामने रखा एक ऐसा आइडिया डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस का. इन्होंने मदद करी ऐसे आइडिया को डेवलप करने में ऑफ रिपब्लिकनिज्म और लिबरलिज्म की, जिसकी वजह से इन्होंने कहा कि सब भैया अगेंस्ट हो जाओ कॉलोनिज्म के अगेंस्ट. इंग्लिश फिलोसोफर जैसे मैंने आपको लॉक की बात बताई, हैरिंगटन की बात बताई, मिल्टन वगैरह हैं, इनका ये सब मानना था कि इंसानों के पास, मेन के पास भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं और कोई भी गवर्नमेंट ये फंडामेंटल राइट्स उनसे नहीं छीन सकती. 1690 में लॉक ने डिफाइन करा 3 नेचुरल राइट्स को मैन के. मॉन्टेस्क्यू ने डिस्क्राइब करा प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को 1748 में. थॉमस पेन जो फ्रांस के थे, इन्होंने आर्ग्यू करा कि ये तो एब्सर्ड है दैट एक कोई कॉन्टिनेंट जैसे नॉर्थ अमेरिका उसे गवर्न कोई आइलैंड कर रहा हो जैसे ब्रिटेन. एनलाइटमेंट थिंकर्स का मिड 1700s में फ्रांस के अंदर इससे कुछ आइडियाज निकल के आए जिसने दोनों को ही इन्फ्लुएंस करा, अमेरिकन रेवोल्यूशन को भी और फ्रेंच रेवोल्यूशन को भी. रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि जो एनलाइटमेंट थिंकर्स थे ना, उनका ये मानना था कि सच्चाई को आप तभी निकाल सकते हो एक रीज़न के माध्यम से या एक लॉजिकल थिंकिंग के माध्यम से. रीज़न खासकर इन्होंने कहा कि रीज़न वॉज द एब्सेंस ऑफ इनटॉलरेंस एंड प्रेजुडाइज इन वंस थिंकिंग. अगर हम नेचर की बात करें तो इनके लिए वॉट वॉज नेचुरल वॉज गुड एंड रीजनेबल. इनका ये मानना था कि यहाँ पर नेचुरल लॉस है इकोनॉमीज के, पॉलिटिक्स के, जस्ट एज यहाँ पर जो नेचुरल लॉज ऑफ मोशन होते हैं उसी तरह. हैप्पीनेस की बात करें तो एक इंसान जो रहता है नेचर के लॉ के हिसाब से वो खुश रहता है. फिलोसोफर काफ़ी इम्पेशेंट थे विद द मेडिवल नोशन जिसे चर्च ने फैलाया था कि लोग जो हैं वो दुख दर्द को एक्सेप्ट करें इस वर्ल्ड में, और दुख दर्द को एक्सेप्ट करेंगे तभी उनको खुशी मिलेगी लाइफ में आफ्टर डेथ. ये चाहते थे कि भाई धरती पे हो तो धरती पे खुश रहो ना यार, ना ये मतलब ये मानते थे कि धरती पे खुश रहना पॉसिबल है.
ये कौन सी बात होती है कि अभी दुख दर्द सह लो तो ताकि बाद में काम आए। उसके बाद प्रोग्रेस की बात करें तो फिलोसोफर ये से पहले यूरोपियंस थे जिनका ये मानना था कि सोसाइटी को प्रोग्रेस करना चाहिए, और साइंटिफिक अप्रोच से इनका मानना था कि सोसाइटी ह्यूमन काइंड ये परफेक्ट हो सकता है। लिबर्टी की बात करें तो फिलोसोफर्स इनवाइट द लिबर्टीज दैट इंग्लिश पीपल हैड वन इन देयर ग्लोरियस रेवोल्यूशन इन 1688। फ्रांस के अंदर यहाँ बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी स्पीच को लेके, रिलीजन को लेके, ट्रेड, पर्सनल ट्रैवल को लेके। थ्रू रीजन, रीजन के माध्यम से इनका मानना था कि सोसाइटी भी फ्री हो सकती है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि रिकवरी ऑफ सेकेंड सेवन ईयर वॉर जो एक्सपेंडिचर था, सेवन ईयर वॉर में जो खर्चा हुआ ना, और इसकी से कैसे रिकवरी हुई, क्या हुआ, वो आपको थोड़ा समझाते हूँ। यहाँ आप देख सकते हो सेवन ईयर रिकवरी ऑफ सेवन ईयर वॉर एक्सपेंडिचर। देखिए सेवन ईयर वॉर ने मतलब ये बहुत कॉस्ट करी थी, बहुत पैसा इसमें ब्रिटेन का जो है गया था। जब इन्होंने डिसाइड करा कि हम ये कॉस्ट को वॉर की वापस से जो है कवर करेंगे, कैसे कवर करेंगे, लोगों पे टैक्स लगा के ब्रिटिश कॉलोनीज में नॉर्थ अमेरिका की, तो उस समय नॉर्थ अमेरिका ने इस बात पे सीधा मना कर दिया कि भैया हम तो टैक्स नहीं दे पाएंगे, नॉर्थ जो अमेरिकन थे। बात बिल्कुल सही थी, जैसे इंडिया में इन्होंने एक्सप्लॉइट किया है। नो रिप्रेजेंटेशन इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये क्या है? देखिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इनैक्ट करा एक स्टैम्प एक्ट को 1765 में, जिसकी वजह से क्या था कि जो इम्पोज करता था स्टैम्प टैक्सेस को सारे ही बिजनेस ट्रांजेक्शंस में इन द ब्रिटिश कॉलोनीज इन यूएसए। एग्जाम्पल रेवेन्यू स्टैम्प, अगर कुछ अमाउंट के आपको लेने हैं तो वो मैंडेटरी हैं सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स के लिए, और उन स्टैम्प पे टैक्सेस लगेंगे लगेंगे। देखिए अमेरिकन्स ने क्या करा, इस बात को बॉयकॉट करा और ब्रिटिश गुड्स को भी बॉयकॉट करा, और जल्द ही यहाँ पे शहरों में अपराइजिंग्स होने लगी, फॉलोड वर द टैक्स कलेक्टर्स वर एक्सटर्मिनेटेड, जहाँ पे जाते थे वहाँ बवाल होने लगता था। सिंस ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास कोई भी अमेरिकन रिप्रेजेंटेशन नहीं था, तो अमेरिकन लीडर्स ने अपोज करा राइट ब्रिटेन का कि आप टैक्सेस नहीं लगा सकते उनके ऊपर। मोर ओवर देखिए जो अमेरिकन थे उनको ऐसा लगा कि उनका पैसा कलेक्ट करा जा रहा है और ये तो ब्रिटिश अपने मतलब के लिए कर रहा है, ना कि जो लोग हैं अमेरिका के उनके डेवलपमेंट के लिए। इन दी मैसाचुसेट्स असेंबली जो लीडर्स थे सारी 13 कॉलोनीज के, वो एक साथ आए और उन्होंने एक स्लोगन को अडॉप्ट करा, वो ये कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। इसकी आपको एक झलक इंडिया में भी देखने को मिलती है। जो खतरा था अमेरिकन लीडर्स के द्वारा ये ब्रिटिश गुड्स को इंपोर्ट करने का रोकने को लेके, इसने ब्रिटिश को फोर्स करा कि अब वो ये स्टैम्प एक्ट जो है वो रिपील कर दें, वरना इनका आया हुआ गुड कोई नहीं लेगा और वो भी बर्बाद हो जाएगा। फर्दर अमेरिकन्स ने अपोज करा टैक्स को कंज्यूमर गुड्स पे भी, जिसे इंपोर्ट कराया जाता था कॉलोनीज के द्वारा, बाय कटिंग ब्रिटिश इंपोर्ट्स बाय हाफ, जिसकी वजह से ब्रिटिश ऑर्डर, और यहाँ दिक्कत हुई कि ये इसने सारे ही टैक्सेस को वापस ले लिया एक्सेप्ट द टी, चाय पे टैक्स लग रहा था। टैक्स जो चाय पे लग रहा था वो बहुत हाई नहीं था, बट इट वॉज नॉट विदड्रॉन बाय ब्रिटिश। क्यों? क्योंकि ये चाहते थे कि अपना टैक्स वाला राइट तो अपने पास रखिए ना यूएस कॉलोनीज में। उसके साथ एक बहुत फेमस है चीज, वो है बॉस्टन टी पार्टी 1773 की। ये एक प्रोटेस्ट था अगेंस्ट द टी टैक्स भी। एक शिप जिसमें टी भर के आ रही थी वॉज एंकर्ड इन द बॉस्टन पोर्ट, और इनिशियली अमेरिकन्स ने अलाउ नहीं करा बॉस्टन गवर्नर, जो आपका पहले अमेरिकन्स ने अलाउ नहीं करा कि वो जो शिप है वो यहाँ उतरे, अनलोड हो, एंड इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत टाइम तक वो रुकी रही। फाइनली जब प्रो ब्रिटेन बॉस्टन गवर्नर ने ऑर्डर करा कि चलो भैया अनलोड करो इस शिप को, तो वाइट सेटलर्स ड्रेस्ड एट अमेरिकन इंडियंस इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया सारी ही टी को बाय ऑफ लोडिंग ऑल द कंटेनर्स इन टू द सी। तो ये सब बर्बाद हो गई। अब ब्रिटिश ने क्या करा इस पे, भैया वो बोराए, और इन्होंने रिस्पॉन्ड करा बाय क्लोजिंग द बॉस्टन पोर्ट टू ऑल ट्रेड, एंड किस यहाँ की उन्होंने हरकत करी बाय कैसे कि बॉस्टन पोर्ट को सारी ट्रेडों के लिए बंद कर दिया, कैसे, पास करके एक इनटॉलरेबल एक्ट्स ऑफ 1774 को।
They were called coercive acts by the British, intolerance acts were the term used by the Americans. ठीक है, ब्रिटिश तो उसको बोलते थे coercive act, और ये जो intolerance act बता रही हूँ ना, ये बोलते थे, मतलब intolerant जो term है ये बोलता था, ये Americans के द्वारा बोला जाता था. अब बात आती है intolerance act of 1774 and Philadelphia Congress. हुआ क्या कि first Continental Congress Philadelphia 1774 में, या सिंपली Philadelphia Congress, जिसने रिप्रेजेंटेटिव्स करीब 12 कॉलोनीज के थे, क्योंकि जॉर्जिया ने इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करा था, बिकॉज ये चाहता था कि ब्रिटिश हेल्प करें इसे डील करने में मिलिटेंसी के साथ में अमेरिकन इंडियंस की. अब क्या हुआ कि जिसमें पार्टिसिपेट करा रिप्रेजेंटेटिव्स ने 12 कॉलोनीज के, वॉज हेल्ड इन रिस्पॉन्स टू द इनटॉलरेबल एक्ट्स या कोअर्सिव एक्ट, जिसे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पहले 1774 में पास किया था, ताकि जो कॉलोनी है मैसाचुसेट्स की उसे पनिश किया जा सके, वही बॉस्टन टी पार्टी वाले इंसिडेंट्स के बाद से, बाई टेकिंग अवे इट्स राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट. अच्छा, अब क्या हुआ, अमेरिकन्स ने ये भी अपील करी किंग जॉर्ज III से कि आप रिस्ट्रिक्शंस हटा दो इंडिजीनियस इंडस्ट्री से, और अमेरिकन्स को भी अलाउ करो कि वो भी बाकी सारी कंट्रीज के साथ में ट्रेड कर सके सस्ते टैरिफ पे, एंड साथ में अमेरिकन कॉलोनीज को आप उनके बिना कंसेंट के, उनके बिना मर्जी के टैक्स भी मत करो. ब्रिटेन ने इंटरप्रेट किया इन सारी डिमांड्स को एज अ म्यूटनी, एंड कॉलोनीज पे अटैक कर दिया 1775 में. इसकी वजह से अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे क्या हुआ कि वो प्रोक्लेम करने लगे डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को 1776 में, जिसे ड्राफ्ट करा गया था थॉमस जेफरसन के द्वारा, जिसमें कुछ पॉइंट्स थे, आइए बताती हूँ. पहला कि सारे मेन जो है, दैट ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल, सारे लोग एक समान बने हैं. ये ऊपर वाले ने बनाया, इनके पास राइट्स हैं लाइफ के, लिबर्टी के और खुश रहने के. तीसरा, रिपब्लिकनिज्म, कि इसका मतलब कि ये जो लोग हैं ये सोर्स हैं अथॉरिटी का, और लोग ही अपनी सेल्फ गवर्नमेंट को सेटअप करेंगे, अपनी खुद की सेल्फ गवर्नमेंट नहीं, अपनी खुद की एक सरकार को चुन के लाएंगे. इंडिपेंडेंस, इसका मतलब कि अमेरिकन कॉलोनीज ऑपरेस्ड थी बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, एंड ये सारी यूनाइटेड कॉलोनीज जो थी, ये थी कि अब आज़ाद इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं. एक बात समझिएगा कि सारी कॉलोनीज ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था इंडिपेंडेंट स्टेट्स के तौर पे, और जो प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स आता है ना, जिससे यूएस फेडरेशन बना है, वो आप इसी बेसिस पे समझते हो कि ये सारी स्टेट्स मिलके ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना है. डिक्लेरेशन अमेरिकन डॉक्यूमेंट का, इसके अंदर दो चीज़ें थी. इसको समराइज करा गया था पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ एनलाइटमेंट थिंकर्स से, जैसे कि लॉक, इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ एविडेंट ट्रूथ्स, एंड इसमें लिस्टेड थे दुख दर्द भी, ग्रीवेंसेस भी, टू जस्टिफाई द ब्रेकिंग ऑफ टाइज बिटवीन द कॉलोनीज एंड द मदर कंट्री. उसके बाद यहाँ पे हमने ये सब आपको बता दिया क्या है क्या नहीं है. आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर या अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में. 1775 की ये बात है दोस्तों. व्हाट वाज टू फॉलो वाज द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. लॉयलिस्ट जो कि ब्रिटिश सेटलर्स के थे, वो ब्रिटेन को काफ़ी लॉयल रहे, उसके लिए वफादार रहे, और उन्होंने ब्रिटेन के साइड से भी लड़ा. रही बात फ्रांस, स्पेन और डच की, तो इनके रिपब्लिक ने मदद करा अमेरिकन्स को, लेकिन सीक्रेट तरीके से. बात 1777 की है दोस्तों. ब्रिटेन ने कोशिश करी कि वो अमेरिकन्स को फंसा दे. कैसे? कनाडा को इन्होंने इन्वेट कर लिया. इनका जो फेलियर था इस बैटल में, उससे ये देखने को मिला कि ये एक टर्निंग पॉइंट था इन फेवर ऑफ अमेरिकन्स. तो इस जीत के बाद अमेरिकन्स की, फ्रांस पहुंचा, फ्रांस भी वॉर में शामिल हो गया, ओपनली शामिल हो गया 1778 में. स्पेन और डच रिपब्लिक ने भी लड़ाई लड़ी, और विद ब्रिटेन इन द यूरोप एंड एशिया. स्पेनिश आर्मी ने हटा दिया ब्रिटिश आर्मी को फ्रॉम फ्लोरिडा. फ्लोरिडा उस समय ब्रिटिश के पास था ना, सिंस 7 ईयर वॉर्स के ख़त्म होने के बाद. और बाद में जो यूएस है वो फ्लोरिडा को ले आया फ्रॉम स्पेन. 1783 की बात है, जब ब्रिटिश के कमांडर कॉर्नवेलिस ने सरेंडर कर दिया आर्मी के सामने, जिसे लीड कर रहे थे जॉर्ज वॉशिंगटन. तो कहानी आती है सेकेंड ट्रीटी ऑफ पेरिस की, जो कि 1783 में साइन हुई थी. आइए समझते हैं, इस ट्रीटी के माध्यम से अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस खत्म हो गई, और कुछ
क्लॉजेस इस ट्रीटी के ये थे कि परपेचुअल पीस रहेगी यूएसए और ब्रिटेन के बीच में। दूसरी बात, सारी जो यूएस कॉलोनीज हैं उन्हें फ्री रिकॉग्नाइज करा गया, सोवेरियन और इंडिपेंडेंट स्टेट्स, और ब्रिटेन अपने सारे क्लेम्स दे देगा, सरकार के हों, चाहे प्रॉपर्टी के हों और चाहे टेरिटरी के हों। यूएस इनको फिर बदले में वो जो लैंड ऑफ लॉयलिस्ट है, जो यूएस ने कन्फिसिकेट कर ली थी, अपने पास जब्त कर ली थी, वो वापस लौटा देगा। और लास्ट क्लॉज ये था कि स्पेन ने एक सेपरेट ट्रीटी को साइन कर दिया ब्रिटेन के साथ में, और इसे वापस मिल गया फ्लोरिडा, जो ये ब्रिटेन को हार चुका था ना आफ्टर द फर्स्ट ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 वाली में। अब एक बहुत बड़ी बात आती है, वो आता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अमेरिकन रेवोल्यूशन का। ये बहुत जरूरी चीज है, हर चीज में समझते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इसीलिए मैं बोल रही हूँ। देखिए हुआ क्या कि 1789 में यूनाइटेड स्टेट्स ने बना, मतलब यूनाइटेड स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन आया, और ये पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिटन रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन था, जो बिल ऑफ राइट्स थे, इन्हें सेट करा गया फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स में टू द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इसके अंदर, जैसे मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ उसी बेसिस पे, इसके अंदर स्पीच का फ्रीडम, प्रेस का, रिलीजन का, जस्टिस का लॉ के तहत डाला गया। अमेरिकन जो रेवोल्यूशन था उसने एक फर्स्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को वॉर के अंदर इस्टेब्लिश करा, और यूएसए जल्द ही जो है वो एक अमेरिकन रेवोल्यूशन, सॉरी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेके आया। इसने अपनी टेरिटरी को भी एक्सपैंड करा विद इन द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका बाय वेस्टवर्ड एक्सपेंशन, एंड साथ में जो आपकी ल्यूसियाना की जो टेरिटरी थी उसे भी परचेज कर लिया फ्रांस से 1803 में, और फ्लोरिडा को भी ले लिया इसने स्पेन से 1819 में। अब एक नया रिपब्लिक यूएसए का, ये फ्री नहीं था ऑफ बायसेस, भेदभाव थे। रिपब्लिक ये ट्रूली डेमोक्रेटिक नहीं था, एज जो विमेन थी, ब्लैक थे और नेटिव अमेरिकन्स थे, इनको राइट टू वोट नहीं दिया गया था। स्लेवरी ये एक ब्लॉट थी ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, एंड ये फाइनली इट कुड बी फाइनली अबॉलिश्ड ओनली आफ्टर द सिविल वॉर ऑफ 1861 से, जो 1865 तक चली थी, उसी के बाद ये स्लेवरी वगैरह हटी है, जो कि नॉर्दर्न और साउदर्न स्टेट्स यूएसए की थी, उनके आपस में चली थी। क्योंकि मसला क्या था कि जो साउथ की स्टेट्स थी ना अमेरिका के, ये अगेंस्ट थी स्लेवरी के अबोल्यूशन को लेके, क्योंकि उनकी इकोनॉमी फार्म बेस्ड थी और इनको एक सस्ते लेबर की, ब्लैक लेबर की जरूरत पड़ती थी। इनको फायदा भी मिलता था स्लेव का ट्रेड करके, इवन ये चाहते थे कि स्लेवरी और बढ़ने लग जाए न्यूली अक्वायर्ड टेरिटरी में। तो ये आर्यू करने वाली बात थी कि जो मेन रिफर्ड टू इन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन वर मेन ऑफ प्रॉपर्टी, एज ओनली दोस्त जिनके पास प्रॉपर्टी थी उन्हीं को ही सारे प्रॉमिस राइट मिल रहे थे, ये एक दिक्कत थी। स्टिल सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा अमेरिकन रेवोल्यूशन का दोस्तों, वो था कॉन्ट्रीब्यूशन टू आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फंडामेंटल राइट्स, नेशनलिज्म और एंटी कॉलोनिज्म। और ये सारी चीज़ें जो है हमने अपने संविधान में यहाँ से ली भी हैं। जो आइडिया इक्वालिटी का था, इसमें विद नो स्पेशल प्रिविलेजेस टू नोबिलिटी, ये काफ़ी रेडिकल था उस वक्त, जब ज़्यादातर जो दुनिया थी, ज़्यादातर जो वर्ल्ड था, वो फ्यूडलिज्म के अंदर ही था, जहाँ पे नोबल्स प्रोमिनेंट क्लास हुआ करते थे, और यहाँ एकदम ऑपोजिट बात रख दी गई। आइडिया जो नो टैक्सेशन का था प्रॉपर्टी के ऊपर, विच फ्लोट फ्रॉम राइट टू प्रॉपर्टी, ये भी नोबल था उस वक्त के हिसाब से। इसलिए अमेरिकन जो रेवोल्यूशन था वो रेवोल्यूशन था आइडियाज में, सिस्टम ऑफ पॉलिटी में, इसने इम्पैक्ट करा था फ्यूचर इवेंट्स को। और सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट अगर उनमें से बताऊँ तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन रहा है 1789 का। दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्रेंच रेवोल्यूशन और नेपोलियनिक वॉर के बारे में समझेंगे। आपको लेक्चर कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो और पर्क्स के एंजॉय करने के लिए। ये वीडियोस आपको फेसबुक पर तो मिलेंगी ही, साथ में आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और इंस्टाग्राम पर आपको मोटिवेशन और डेली क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो आप हर एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मुझे हर सोशल मीडिया हैंडल पर ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।